नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी काव्य जगत में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं के लिए निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कविता वाक, और जिसकी रचनाकार हैं कश्मीरी कवित्री ललदद। बच्चों, अभी तक हम संपूर्ण कविता व्याख्या व स्पष्टीकरण विधि के माध्यम से समझ चुके हैं और अभ्यास कार्य रूप में दिए गए प्रश्नों पर भी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन बच्चों, हमें केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों पर ही अवलंबित नहीं रहना है, उन्हीं पर आश्रित नहीं रहना है, क्योंकि परीक्षा में इनके अतिरिक्त भी प्रश्न आ सकते हैं और आते हैं। और बच्चों, काव्यांश पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे भी किसी भी रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे भी घुमा फिरा कर आ सकते हैं। तो आइए कुछ लघु प्रश्नों पर, अतिरिक्त प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नों पर चर्चा करने से पूर्व आइए एक बार पुनः कविता का वाचन कर लेते हैं, ताकि इसमें आए हुए सभी शब्दों से एक बार पुनः हम रूबरू हो जाएं, पुनः हमें वो प्रश्न शब्द याद आ जाएं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरा वाक्य बच्चों, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। और बच्चों, चौथा और अंतिम वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो आइए बच्चों, करते हैं चर्चा छोटे प्रश्नों पर, लघु प्रश्नों पर, अतिरिक्त प्रश्नों पर। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, नाव किसका प्रतीक है और कवित्री उसे कैसे खींच रही है। नाव किसका प्रतीक है? बच्चों, पहले ही वाक में हमने पढ़ा था कि नाव जो है मानव के नश्वर शरीर का प्रतीक है, और कवित्री उसे कैसे खींच रही है। कवित्री उसे सांसों रूपी कच्चे धागों के सहारे खींच रही है, यानी जो मानव शरीर है वो तो नौका है और जो हमारी सांसें हैं वो कच्ची रस्सी के समान हैं, जो बहुत ही नाजुक हैं, न जाने कब सांसें थम जाएं, कब जीवन का अंत हो जाए, कुछ नहीं पता। दूसरा प्रश्न है, कवित्री संसार रूपी भवसागर को पार करने के प्रति क्यों चिंतित है। इसका उत्तर होगा, कवित्री संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए इसलिए चिंतित है क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे संसार रूपी सागर को पार करना चाहती है, और उसको पार करने के लिए वह कठिन साधना जैसे निरंतर प्रयास कर रही है, कठोर प्रयास कर रही है, और फिर भी उसे अपने इन प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही, और यह प्रयास करते करते उसके जीवन का अंतिम समय भी आ गया, और तब कवित्री को लगता है कि अब तो उसके सारी प्रार्थनाएं, सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, उसे व्यर्थ लगते हैं कि न जाने कब ईश्वर उसकी पुकार को सुनेंगे भी या नहीं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है
और क्यों की है। देखो बच्चों, कवित्री के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। उसने हठयोग जैसी कठिन साधना भी कर ली, लेकिन अब उसे कैसा लग रहा है, वो किससे तुलना कर रही है कि किस प्रकार से उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। वह अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्ची मिट्टी के सकोरों से कर रही है। कच्ची मिट्टी के सकोरे क्या होते हैं बच्चों, आप जानते हैं अच्छी तरह, कच्ची मिट्टी से बने हुए कटोरे के आकार का बर्तन, और जो कच्ची मिट्टी से बने होने के कारण रिश्ता रहता है, उसमें पानी भर दिया जाए तो वो रिश्ता रहेगा और एक समय आकर बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो कवित्री को भी ऐसा ही लगता है कि उसके जो प्रयास हैं वो इसी प्रकार से निष्फल हो रहे हैं। अगला प्रश्न बच्चों, कवित्री के मन में कहाँ जाने की चाह है और उसकी दशा कैसी हो रही है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि कवित्री के मन में कहाँ जाने की चाह है, ईश्वर के घर जाने की चाह है। कहाँ जाना चाहती है वो, घर जाने की चाह है घेरे, कि ईश्वर के घर जाना चाहती है, अर्थात संसार रूपी भवसागर से वह पार उतरना चाहती है, मुक्ति को प्राप्त कर लेना चाहती है। लेकिन उसके इन प्रयासों में सारी जो वो कोशिशें हैं, ईश्वर को जाने के प्रयास हैं, वो सब असफल हो रहे हैं, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, इसीलिए वह चिंताग्रस्त है। चिंता में पड़ी है कि कैसे उसके प्रयास पूरे होंगे और कैसे वह इस संसार रूपी सागर से पार होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, न खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री ने ऐसा क्यों कहा, कि देखो पहली लाइन थी ना, इससे पहली पंक्ति कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी खाएगा जो परमात्मा ने हमें उपभोग करने के लिए चीज़ें दी हैं संसार में, यदि हम उनको उपभोग ही करते रहेंगे बिना त्याग के, तब भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। और नहीं खाएंगे यानी उनका उपभोग नहीं करेंगे, उनसे बिल्कुल दूर हो जाएंगे, तो क्या होगा, अहंकारी हो जाएंगे। यानी जो दूसरी स्थिति है, यदि न खाकर बनेगा अहंकारी, तो इससे तात्पर्य क्या है कि अधिकांश क्या होता है संसार में, लोग भोग से इतने दूर हो जाते हैं कि मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, और वैराग्य की ओर चल पड़ते हैं। और जब वैराग्य की स्थिति में आ जाते हैं तब उन्हें लगता है, तब उनके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है, उन्हें लगता है वही महान संत हैं, वही तपस्वी हैं, वही गुणी हैं, तो इस प्रकार वो अहंकारी हो जाते हैं, और अहंकार में जो है भक्ति की सफलता नहीं कही जा सकती। तो बच्चों दोनों ही स्थितियों में जो है भक्ति जो है भटक जाती है, भक्ति के मार्ग से हम भटक जाते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कवित्री साहब किसे मानती है, वह साहब को पहचानने का वह क्या उपाय बताती है। देखिए बच्चों, साहब किसको माना है, कवित्री ने साहब यहाँ पर परमात्मा को माना है। उन्होंने कहा था ना कि यही है साहिब से पहचान, उस याद होगा आपको चौथे वाक में उन्होंने बताया था कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और वही है साहिब से पहचान। अगर तू सच्चा ज्ञानी है, यानी कवित्री किसको मानती है, साहब को मानती है। और दूसरा प्रश्न इसमें क्या जुड़ा हुआ है, वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती है। तो कवित्री साहब को पहचानने का अर्थात ईश्वर को जानने का यह उपाय बताती है कि मनुष्य को आत्मज्ञानी अर्थात स्वयं को पहचानने वाला होना चाहिए। वह अपने विषय में सूक्ष्मता से जाने कि वह कौन है, क्यों आया संसार में, क्या उद्देश्य है उसका, इन बातों का को यदि वह पूरी तरह से जान लेगा, इनके उत्तर खोज लेगा, तो बच्चों वही सच्चे अर्थों में ईश्वर को जान लेगा, वही सच्चे अर्थों में सच्चा ज्ञानी होगा और ईश्वर तक पहुंच पाएगा, अर्थात उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, सच्चा ज्ञानी वही है। और चौथे वाक में कवित्री ने क्या संदेश दिया है, अभी हम चौथे वाक की बात कर रहे थे, पहली दो पंक्तियां थी ना इसकी,
थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यानी सबसे बड़ा संदेश कवित्री ने इस वाक में दिया है कि हमें कभी भी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, धर्म और जाति के आधार पर भेद न करें कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, और इनसे क्या होगा, झगड़े उत्पन्न होंगे, ईर्ष्या द्वेष बढ़ेगा, समाज में अशांति बढ़ेगी। और बच्चों आप जानते हैं ना आजकल कैसा समय चल रहा है, कुछ इसी तरह का समय था यहाँ तक कि इतना कठिन, और ये कोरोना जैसी महामारी जो चल रही है इसके चलते भी आए दिन हम बहुत बार सुनते हैं आज वहाँ झगड़ा हो गया, वहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है वह नहीं होना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अपना लेंगे, तो सच्चे अर्थों में ही हम सच्चे मानव कहलाएंगे। तो बच्चों ये थे हमारे लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर, और कल बच्चों आपने एक बार अंतिम प्रश्न पर आइए, इसके जहाँ रचना और अभिव्यक्ति है। इसमें है ना हमारे संतों भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। देखो हमें ये हमारे बड़े जितने भी संत हैं ज्ञानी हैं महापुरुष हैं वो ये सिखाते आए हैं कि धर्म के आधार पर जाति के आधार पर कोई भी मनुष्य अलग नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ईश्वर ने नहीं किया। लेकिन फिर भी समाज में क्या होता है कि फिर भी समाज में आज हमें यह भेदभाव दिखाई देता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल है बच्चों, पूरी तरह से भेदभाव समाप्त नहीं हुआ, भले ही हम कह लें आज हम उन्नति के चरम शिखर पर हैं, ऐसी चीज़ें ईर्ष्या द्वेष जैसी चीज़ें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, नहीं आज भी हैं। आज लॉकडाउन जैसी गंभीर स्थिति में भी कई जगह ऐसे हादसे ऐसी वारदातें हमें दिखाई दे जाती हैं, सुनने में ऐसे समाचार आते हैं जो सिद्ध करते हैं कि आज भी लोगों में भेदभाव धर्म और जाति के आधार पर नहीं मिटा है। और इसी का था दूसरा प्रश्न, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप अपने सुझाव दीजिए। कि देखो हम अपनी ओर से क्या कर सकते हैं कि आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए हम क्या करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी को समान समझें, ईर्ष्या द्वेष का भाव त्याग दें, मानव को मानव समझें, तभी हम संभावी होंगे, यानी संभाव से दूसरे को देख पाएंगे और एक अच्छे मजबूत सुंदर और स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना को साकार कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।